हे गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में राजस्थान जीके के 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हैं, और ये सारे क्वेश्चन पहले के एग्जाम में पूछे गए। जैसा कि हमने वादा किया था, राजस्थान जीके के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो सभी हम लेके आएंगे। और आज के वीडियो हम लेके आए हैं कर सहायक भर्ती परीक्षा 2018, 14 अक्टूबर 2018 को एग्ज़ाम हुआ था, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आगे रिपीट हो सकते हैं। अगर आप लोग वीडियो आखिर तक देखते हैं तो 3 से 4 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं, और साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जितने भी पुराने क्वेश्चन जो आज तक पूछे गए हैं वो हम वीडियो लेके आएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, उड़िया पठार राजस्थान के किस जिले के अंदर है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, इजी क्वेश्चन है, सिरोही के अंदर है, ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन हम बात करेंगे, टंगस्टन का उत्पादन निम्न में जो कहाँ की खदान में होता है। टंगस्टन का जो उत्पादन है राजस्थान में कहाँ की खदान में होता है, इनमें से आपको उत्तर बताना है। ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा, डेगाना। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करेंगे, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है। कर्क रेखा जो है राजस्थान के किस भाग से गुजरती है, तो दक्षिण से, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा बिल्कुल लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे, तख्त सागर नामक जलकाय राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तख्त सागर नामक जलकाय राजस्थान के कौन से जिले में, तो ऑप्शन ए जोधपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करेंगे, मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है। मृत नदी यानी घगर नदी, ऑप्शन डी। ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुके हैं, मैंने आपको बोला ये सारे प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग हर एक वीडियो को जरूर देखें। मोहनोतनेनसी किस राजे के दीवान थे। मोहनोतनेनसी कौन से राजे के दीवान थे, ऑप्शन बी जोधपुर के। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करेंगे, तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तुंगा का जो युद्ध है वो कौन से साल में लड़ा गया था, तो ऑप्शन बी 1787 में, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करेंगे, पटुओं की हवेली कहाँ पे। पटुओं की जो हवेली है वह जैसलमेर में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर में रिपीट हो जाती है, इस पेपर में से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के तेहरह ताली नृत्य में काम में नहीं आता। तेहरह ताली नृत्य के अंदर इन चारों में से कौन सा जो वाद्य यंत्र है या कौन सा यंत्र जो काम में नहीं आता। 9 का ऑप्शन डी डेरू काम में नहीं आता, बाकी तीनों। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करेंगे, ब्लू पॉटरी को राजस्थान में किस शासक के द्वारा लाया गया। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, ब्लू पॉटरी जो कि जयपुर की बहुत फेमस है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन ए महाराजा राम सिंह, ऑप्शन ए उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सा ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है। ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य, ऑप्शन बी वालर। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सा अभ्यारण चूरू जिले में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा अभ्यारण चूरू जिले में, तो ताल छापर है, ऑप्शन डी इसका उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करेंगे, राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या सीमा होनी चाहिए। मिनिमम कितनी या फिर अधिकतम कितनी कम से कम जनसंख्या होनी चाहिए। 13 का ऑप्शन सी 5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, मिनिमम 5 लाख होनी चाहिए। 5 लाख प्लस है वो जो है जनसंख्या सीमा होनी चाहिए, वो नगर निगम के एरिए में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करेंगे, निम्न में से कौन राज तरंगणी का लेखक है। राज तरंगणी के लेखक कौन है, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए, कलहन ऑप्शन ए। 15 की हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है। इनमें से मीराबाई का जन्म स्थान कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन ए कुड़की। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करेंगे, राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन RFC की स्थापना किस वर्ष की गई। RFC की स्थापना कौन से साल में की गई थी, 1955 में। 17 की हम बात करेंगे, राजस्थान की कुबड़ पट्टी जिसे हॉन्च बेल्ट भी कहा जाता है, नागौर अजमेर, 17 ऑप्शन डी उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करेंगे, तेहरह ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है। तेहरह ताली का जो संबंध है नृत्य का संबंध है वो कौन सी जाति से है, 18 ऑप्शन बी कामड़। 19 की हम बात करेंगे, किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। किस लोक देवी को
थार की वैष्णो देवी कहा जाता है तनोट माता को। 19 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करेंगे, गीत गोविंद सागर का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है। गीत गोविंद सागर, ऑप्शन सी मेवाड़। 21 की हम बात करेंगे, अमरसाही का किसका नाम है, अमरसाही किसका नाम है, जूती, आभूषण, मिट्टी का बर्तन या पगड़ी। तो पगड़ी का नाम है अमरसाही, ऑप्शन डी उत्तर रहेगा। चलिए दोस्तों एक पेपर और कर लेते हैं जिसके 12 क्वेश्चन है। सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2018 12 मई 2018 को हुआ था और इसके अंदर राजस्थान जीके के जो है 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। मजार ए फकरी निम्न में से किस जिले के अंदर है, मजार ए फकरी निम्न में से कौन से जिले में, तो ये डूंगरपुर में है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे, किस वर्ष राजस्थान में पेटेंट सूचना केंद्र यानी PIC की स्थापना हुई थी। PIC राजस्थान में सूचना पेटेंट सूचना केंद्र, तो ऑप्शन ए 1998 में। और 3 की हम बात करेंगे, राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मीरू नाट्य के नाम से जाना जाता है, मीरू नाट्य के नाम से कौन सा लोक नाट्य जाना जाता है, तो गौरी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इनमें चारों में से गलत बताना है। एक प्रजामंडल दिया है, उसका संस्थापक का नाम दिया है सामने, और इन चारों में से कौन सा जो गलत सुमेलित है, तो 4 का जो है डी है वो गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। सिरोही का, जैसलमेर का और करौली का सही है, तो डी जो कि गलत है उत्तर रहेगा। 5 की हम बात करेंगे, जहाँ प्रतिवर्ष से प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है वह क्षेत्र है। प्राकृतिक रूप से मिट्टी का नवीनीकरण कहाँ पे या किस क्षेत्र में होता है या उस क्षेत्र को, तो 5 की हम बात करेंगे ऑप्शन डी खादर प्रदेश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे, हुड़ा सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस वर्ष किया गया, हुड़ा सम्मेलन का आयोजन किस समय किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी 1734 में किया गया था, 1734। और 7 की हम बात करेंगे, कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक है, किसका परिचय के रूप में प्रतीक माना जाता है, कटे हुए कान और जटा। 7 ऑप्शन बी अघोड़ जोगी। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करेंगे, राजस्थान में WPI के लिए आधार वर्ष किस वर्ष को माना गया, WPI के लिए आधार वर्ष किस वर्ष को माना गया। 8 का ऑप्शन है 1999 2000। 9 की हम बात करेंगे, कर्नल जेम्स टोन ने हिंदू ओलंपस किसे कहा, हिंदू ओलंपस। 9 का सी माउंट आबू को। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करेंगे, पिंपल पन्ना क्या है, तो ये कुल जो क्षत्रियों का एक आभूषण है, कान का आभूषण, ऑप्शन बी इसका उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करेंगे, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, पिंपल पन्ना वाला भी कई बार पूछा गया है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन बी 1964 में। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही उत्तर देते हैं। आप लोग कोशिश जरूर कीजिएगा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर देने की। निम्न में से कौन सा जिला माही हाई लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माही हाई लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, ये बताना है आपको इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है। और आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। राजस्थान के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है सारे हम लेके आएंगे जिनमें राजस्थान जीके के प्रश्न आए हुए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए।